श्रेया शुक्ला, आप देख रहे देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल फीके न्यूज। पति परिवार और पाकिस्तान से बगावत करके सीमा हैदर भारत आई तो ठीक, लेकिन नेपाल के रास्ते आई, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई और अब सीमा हैदर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। उसकी कहानी किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं है। अपने चार बच्चों के साथ पांचवी पास सीमा कराची से नेपाल, नेपाल से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा से 50 किलोमीटर दूर यमुना एक्सप्रेसवे के पास 24 साल के सचिन मीना के पास पहुंच गई, जो खुद आठवीं पास है। कोविड में दोनों समय काटने के लिए ऑनलाइन गेम पबजी खेलते थे और बातचीत का सिलसिला ऐसे ही बढ़ता रहा और फिर प्यार का परवान ऐसा चढ़ा कि सरहद पार करके सीमा भारत सचिन से मिलने आ गई। ये आइडिया उसे गदर फिल्म से मिला। फिलहाल सीमा और पति सचिन गायब बताए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि भारत की खुफिया एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि सीमा पाकिस्तानी जासूस बताई जा रही है। कुछ लोगों को सीमा की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है। पुलिस ने सीमा हैदर के पास से चार मोबाइल फोन बरामद किए थे। इनमें से किसी भी फोन में उसकी पुरानी चैट हिस्ट्री नहीं थी। उसका पाकिस्तान वाला फोन और सिम भी टूटा हुआ मिला। यही सब वजह है जो सीमा पर संदेह पैदा कर रही है। गिरफ्तारी के समय सीमा ने कहा था कि उसका भाई आसिफ पाकिस्तानी फौज में नहीं है, लेकिन उसकी बहन ने पाकिस्तान से एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने कहा कि उसका भाई पाकिस्तानी फौज में है। इसके बाद सीमा ने भी स्वीकार किया कि उसका भाई पाकिस्तानी फौज में है। ऐसे कई सारे वजह हैं जो सीमा को संदेह के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में सीमा को लेकर तरह तरह के संदेह पैदा होना लाजमी है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की कोई नई चाल हो सकती है और सीमा अपने मिशन पर काम कर रही है, इसलिए इसे कड़ाई के साथ पूछताछ की जानी चाहिए। इसी संदेह पर पूर्व डीजीपी ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने तर्कों के साथ सीमा पर संदेह जताया है। उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा, पबजी खेलते हुए मोहब्बत हो और जमीन बेचकर बच्चों के साथ कोई आ जाए या इत्तेफाक हो सकता है। पूर्व डीजीपी ने सीमा हैदर के भारत आगमन को संदिग्ध बताया। उन्होंने कहा कि मल्टीपल पाकिस्तान के सिम कार्ड, मल्टीपल पासपोर्ट और फोन का तोड़ा जाना संदिग्ध दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिससे उनका प्रेम संबंध था वह कोई संपन्न परिवार से नहीं है और ना ही सीमा किसी संपन्न परिवार से है। डीजीपी ने कहा, जिस तरीके से सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत आई है, यहाँ तक कि वो NCR तक आ गई, या चरणबद्ध तरीके से संदिग्ध प्रतीत होता है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने आगे कहा, अगर सीमा हैदर को आना ही था तो सरकार से दरख्वास्त लेकर भी आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने टूरिस्ट वीजा नहीं लिया और ना ही उसके लिए अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सीमा हैदर ने चोर दरवाजे से प्रवेश किया है और उनके बयान में अब तक जो विरोधाभास आ रहे, इसको लेकर रॉ, IB और पुलिस तीनों को संयुक्त रूप से पूछताछ और लाइव डिटेक्टर टेस्ट करना चाहिए। पूर्व DGP ने कहा कि इस मामले की कड़ी से कड़ी मिलाकर इसका सत्यापन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि पबजी खेलते खेलते अपनी जिंदगी और परिवार को कोई दांव पर लगा दे, लेकिन अब लगा ही दिया है तो इस संदिग्ध परिस्थितियों की गहराई से जांच होनी चाहिए। यूपी पुलिस के पूर्व DGP रहे विक्रम सिंह ने कहा कि सीमा हैदर अब तक जो बयान दिए हैं वो अत्यंत संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व DGP ने सीमा हैदर के भारत आने के तरीके पर कहा कि यह घुसपैठ के नए तरीके का ड्राई रन प्रतीत हो रहा है। DGP ने इस मामले में नार्को टेस्ट और लाइव डिटेक्टर से जांच की मांग की थी। साथ ही पूर्व DGP ने इस सुरक्षा में बड़ी चूक बताया है। उन्होंने बताया कि नेपाल बॉर्डर से अगर कोई आ रहा है तो अभी तक ज्यादा चेकिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अब सत्यापन होने का वक्त आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों की क्या कार्य योजना है, इसको लेकर विचार करने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही सीमा हैदर और उनके पति जो दुबई में हैं, उनके बयानों को मिलाकर गहराई से जांच करने के लिए कहा है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अब कोई व्यक्ति इस तरह भारत में प्रवेश ना करे। सीमा हैदर के बाद एक और ऐसे घुसपैठियों का मामला सामने आया था, जब पंजाब बॉर्डर से एक व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया था और ऐसा माना जा रहा था कि वो गलती से भारत आ गया, लेकिन क्या अचानक से ऐसे पाकिस्तान से लोग भारत आ रहे हैं, वो भी बिना वीजा के, इस तरह इलीगल तरीके से, तो क्या संदेह नहीं बनता? विक्रम सिंह के इन तर्कों पर आप क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।